भारतीय महिला फुटबॉल टीम तीसरी बार एशियाड खेलने जा रही है। पिछले 15 साल में 5 बार साफ विमेन चैंपियनशिप जीतने के बाद टीम के सामने मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में परफॉर्म करने की चुनौती है। ये विमेन्स फुटबॉलर्स के पास भारतीय फैंस के सामने खुद को साबित करने का गोल्डन चांस भी है। अगले 3 महीने में टीम के सामने 2 बड़ी चुनौतियाँ भी हैं, पहला एशियन गेम्स और दूसरा ओलंपिक क्वालिफायर्स। टीम इंडिया की रेगुलर कप्तान और इंग्लैंड की विमेंस प्रीमियर लीग में खेलने वाली पहली भारतीय विमेन फुटबॉलर अदिति चौहान ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में इन्हीं चुनौतियों पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा, नेशनल टीम के कैंप शुरू हो गए हैं, हालांकि इंजरी के कारण मैं टीम का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन टीम की हौसला अफजाई करूंगी। एशियाड के लिए क्वालिफाई करना हमारे लिए एक बड़ी और लंबी लड़ाई रही है। हम फैंस को टीम की पोटेंशियल दिखाना चाहते हैं। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि एशियाड के बाद ओलंपिक क्वालिफिकेशन भी है, जहां भारत का सामना 2011 के वर्ल्ड चैंपियन जापान के साथ होगा, इस पर आपको क्या कहना है? जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, पिछले दिनों वर्ल्ड कप देखकर समझ आया कि कोई टीम छोटी या बड़ी नहीं है, हम जापान को हरा सकते हैं। हालांकि जापान बहुत अच्छी टीम है, उन्हें हराना काफी चैलेंजिंग होगा। हमें खुद पर भरोसा रखना होगा और अच्छा गेम प्लान बनाना होगा। फुटबॉल की सबसे अच्छी बात यही है कि जिसमें जीत की भूख सबसे ज्यादा होती है वही टीम जीतती है। अगर हम जापान से नहीं जीत सके तो ग्रुप की दूसरी 2 टीमों से जीतकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप भारतीय महिला फुटबॉल टीम को एक्शन में देखने के लिए तैयार हैं? और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.